मंगलवार को देर शाम जहां कृषि विभाग की टीम ने बंद पड़ी फैक्ट्री में बने गोदाम से 857 कट्टे नीम कोटेड यूरिया के पकड़े थे, तो वहीं बुधवार को हाफिजपुर में गोदाम में अवैध रूप से रखे गए यूरिया की खेप को बरामद किया है। वहीं पर इस अवैध गोदाम में 424 यूरिया के कट्टे रखे पाए गए हैं। कृषि अधिकारी हरीश पांडे ने बताया कि विभाग की टीम को इस बारे में सूचना मिली थी, जिसको लेकर गोदाम पर पुलिस के साथ रेड की गई। चौधरी एंटरप्राइजेस के नाम पर रजिस्टर्ड गोदाम से एनएफएल व क्रिप्को के 724 कट्टे मिले हैं। उन्होंने बताया कि आशंका है कि इन्हें फैक्ट्री में सप्लाई के लिए लाया गया था। सरकार द्वारा बार बार प्रयास किए जाने पर भी अवैध खाद का कारोबार यमुनानगर में धड़ल्ले से चल रहा है। कृषि विभाग खाद की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी खाद की कालाबाजारी करने वाले लोग अपने मुनाफे के लिए किसानों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। वहीं प्राइवेट डीलर और सप्लायर को दिसंबर 22 से खाद बंद है। कृषि विभाग द्वारा कट्टों की गिनती पूरी होने के बाद पुलिस में FIR करवाई गई। ये हाफिजपुर में चौधरी एंटरप्राइजेस पे, यहाँ पे 724 बैग मिले हैं दो कंपनियों के, NFL के और क्रिप्को के। ये बाहर का ही है, लेकिन अब इस पे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विभाग द्वारा प्राइवेट को किसी भी तरह का खाद नहीं दिया जा रहा है। ये हाँ पैक्स को अलाउ किया हुआ है। ये तो जांच का विषय ही है कि ये तो पुलिस ही बताएगी कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो यही है कि जैसे ही सोर्स आती है तो हम इस पे कार्रवाई करते हैं। नहीं बेच सकता है, क्योंकि दिसंबर के बाद सरकार ने बंद किया हुआ है, विभाग ने इनको किसी भी तरह की खाद बेचने की मनाई की हुई। हाँ जी हाँ, उन पर भी पुलिस एक्शन किया गया, FIR की गई है। अभी तो भाई नहीं, चौधरी एंटरप्राइजेस। अभी कृषि विभाग की तरफ से, एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से सूचना आई थी श्री हरीश पांडे जी की, भी हमने यहाँ भी इस पर में दो दुकानें हैं, जगमाल सिंह का कोई ये नाम पे लाइसेंस है, इसके अंदर से 724 कट्टे यूरिया खाद बरामद किया है, और जिस पे आप कार्रवाई के लिए पहुंचे। इन्होंने हमारे को लिस्ट में अपनी कंप्लेंट दे दी है, तो मुकदमा दर्ज करके 24 क्या किया, अभी मुकदमा दर्ज करेंगे 7, 9, 10, 55 और 420 ICC के तहत, और मुकदमा तफ्तीश के दौरान जल्दी से जल्दी मुजरिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी मुजरिमान अपराध जगमाल सिंह, दुकानें सील कर दी मौके पर।